हेलो एवरीवन, हाउ यू? आई होप यू गाइस डूइंग वेल। आज हम बनाने वाले हैं पोहा। हम दो डिफरेंट स्टाइल में पोहा बनाएंगे, एक प्लेन पोहा बनाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको फटाफट ऑफिस या कॉलेज के लिए निकलना है, तो उसको ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा हम बनाएंगे मसाला पोहा। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमने एक कटोरी पोहा लिया है, दो मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया है, हरी मिर्च लिया है, करी पत्ता लिया है और धनिया पत्ता लिया है। कढ़ाई में तेल जो है वो गर्म हो गई है, तो अब हम डालेंगे एक छोटी चम्मच राई यानी कि सरसों, एक छोटी चम्मच जीरा, और जब ये दोनों अच्छे से चटक जाएंगे तब हम डालेंगे हरी मिर्च और साथ में ही डाल लेते हैं करी पत्ता। ये भी थोड़ा चटक जाएगा तब अब हम डालेंगे इस स्टेज पे प्याज, और प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि हमें डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो चला जाए। प्याज जो है वो भुन गया है, तो अब हम डालेंगे एक छोटी चम्मच नमक और एक चम्मच हम चीनी डालेंगे। इससे क्या होता है कि पोहे में जो नमकीन और मीठा दोनों का टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है एक्चुअली। तो अब हम डाल लेते हैं यहाँ पे टर्मरिक यानी कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम डालेंगे पोहा जिसे मैंने वॉश करके रखा हुआ था। तो पोहा डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स हो गया है तो अब हम धनिया पत्ता डालेंगे और एक मिनट तक ऐसे पकाएंगे चलाते हुए, एंड गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि अब पोहा जो है वो रेडी हो गया। तो है ना, बहुत ही इंस्टेंट और फटाफट बनने वाला ब्रेकफास्ट, जिसे कोई भी ईजिली बना सकता है, ज़्यादा इसमें तामझाम बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम एक प्लेट में निकालेंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, खाने में बहुत अच्छा है एक्चुअली। मसाला पोहा के लिए हमने लिया है यहाँ पे एक कटोरी पोहा, एक कटोरी सिंग दाना लिया है, एज इट इज़ धनिया पत्ता, करी पत्ता, हरी मिर्च एंड प्याज, और ऐड किया है यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो तेल जो है वो गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें सिंग दाना डालेंगे और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे सिंग दाने को। सिंग दाना फ्राई करते टाइम ध्यान रहे कि फ्लेम जो है गैस का वो लो होना चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम पे सिंग दाना जो फ्राई होता है ना वो बहुत ही कड़वा लगता है टेस्ट में एक्चुअली। तो फ्राई कर लेते हैं इसे अच्छे से। तब ये फ्राई हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। तड़के के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राई एंड जीरा एज इट इज़, जो नॉर्मल पोहे में यूज़ किया था, और करी पत्ता और मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम प्याज डाल लेते हैं कटा हुआ, अच्छे से इसे फ्राई करते हैं प्याज को। दो मिनट तक ऐसे फ्राई करेंगे प्याज को, और अब हम डालेंगे एक छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, यानी कि जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो एटलीस्ट चला जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो अब ये फ्राई हो गया है, तो हम डालते हैं नमक, और इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मच शुगर। आप चाहें तो शुगर कम यूज़ कीजिए, बट यहाँ पे हमने मसाले यूज़ करे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ये सब, तो थोड़ा शुगर ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। हल्दी डालेंगे थोड़ा सा यानी कि टर्मरिक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस स्टेज पर डालेंगे वॉश किया हुआ पोहा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और सिंग दाना भी साथ में ही डाल लेते हैं जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। एक साथ दोनों डालने से क्या काम जो है वो बहुत इजी हो जाता है, फटाफट मिक्स हो जाता है। और ये देखिए मिक्स होने के बाद पोहे का कलर कितना मस्त दिख रहा है ये। और धनिया पत्ता डालते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद एक मिनट तक हम इसे पका लेंगे फिर से वापस। एंड एक मिनट अब हो गया है, तो गैस को कर लेते हैं बंद, और अब हम निकालेंगे एक सर्विंग प्लेट में जिसमें हमें सर्व करना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा पोहा बना था, ट्राई कीजिए रेसिपी को और बताइए कैसी बनी थी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई किया या नहीं। बाय बाय।